हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जामिया मिलिया इस्लामिया के एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 के पेपर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसे सूफी काव्य परंपरा का पहला कवि माना है? सही उत्तर है कुतुबन को। अगला प्रश्न, गोरखनाथ का समय क्या माना गया है? सही उत्तर है 9वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? सही उत्तर है निम्बाकाचार्य। अगला प्रश्न, ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन इनमें से किसने किया? सही उत्तर है आनंदवर्धन ने। अगला प्रश्न, भूषण बिनुना विराज ये कविता बनिता मित्र में अलंकार बताइए। सही उत्तर है श्लेष। अगला प्रश्न, खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं? सही उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, किस शब्द शक्ति में अर्थ ध्वनित होता है? सही उत्तर है व्यंजना। अगला प्रश्न, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? सही उत्तर है 33। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य का शिष्य इनमें से कौन है? सही उत्तर है कुंभनदास। अगला प्रश्न, अंधा युग किस विधा की पुस्तक है? सही उत्तर है गीति नाट्य। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा? सही उत्तर है 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासों में कितने समय या खंड है? सही उत्तर है 69। अगला प्रश्न, अंडे के छिलके किसका एकांकी संकलन है? सही उत्तर है मोहन राकेश। अगला प्रश्न, शिव शंभू का चिट्ठा के रचयिता कौन है? सही उत्तर है बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न, अश्व का पर्यायवाची है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आओ रानी हम ढोएं पालकी नामक कविता किस कवि की है? सही उत्तर है नागार्जुन की। अगला प्रश्न, विभत्स रस का स्थाई भाव है? सही उत्तर है जुगुप्सा। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? सही उत्तर है ब्राह्मी। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? सही उत्तर है यामा। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर है परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न, असाध्य वीणा नामक कविता के रचयिता कवि कौन है? सही उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न, कौन सा कवि दूसरे सप्तक का है? सही उत्तर है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न, काव्य प्रकाश की रचना किसने की? सही उत्तर है मम्मट ने। अगला प्रश्न, आठवां सर्ग नाटक के रचयिता कौन है? सही उत्तर है सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न, रीति काल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है? सही उत्तर है भूषण। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार के आचार्य थे? सही उत्तर है रसवादी। अगला प्रश्न, मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शुक्ल युग का निबंधकार है? सही उत्तर है बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 14 सितंबर। अगला प्रश्न, संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? सही उत्तर है 352। अगला प्रश्न, मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? सही उत्तर है त्यागपत्र। अगला प्रश्न,
गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किस नाम से किया? सही उत्तर है एकांतवासी योगी। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1828 ईस्वी में। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में कुल कितने कांड या सोपान हैं? सही उत्तर है 7। अगला प्रश्न, इनमें से कुंवर नारायण की कृति कौन सी है? सही उत्तर है आत्मजयी। अगला प्रश्न, इनमें से राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है श्री लाल शुक्ल। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं? सही उत्तर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? सही उत्तर है रंगभूमि। अगला प्रश्न, अंधेरे में कविता में किसका प्रयोग हुआ है? सही उत्तर है फैंटेसी का। आइए पार्ट टू डिस्क्रिप्टिव पेपर को देखते हैं। रासो काव्य की विशेषताओं को बताएं अथवा भक्ति आंदोलन का परिचय दीजिए। दूसरा, निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषता बताएं अथवा बिहारी की काव्यगत विशेषता लिखें। तीसरा, भारतेंदु युग का परिचय दीजिए अथवा प्रगतिवादी काव्य का परिचय दीजिए। चौथा, नई कहानी की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए अथवा समकालीन उपन्यास का परिचय दीजिए। पांचवा, स्वच्छंदतावाद का विकास बताइए अथवा मनपसंद कवि पर टिप्पणी लिखिए। छठा, अनुप्रास लेस अलंकार का परिचय उद्धरण सहित लिखिए अथवा संस्मरण और पत्र लेखन का परिचय दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।